नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पर क्लब में। दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूं। आज एक बड़े सीरियस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। वैसे ये मेरा चैनल रियल रिव्यू है, जिसके बारे में मेरे पर जो आता है ना, मैं इस चैनल पर डाल देता हूँ। आज मैं मेनली बात करने वाला हूँ। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि मैं इस टॉपिक पर आपके साथ बात क्यों कर रहा हूँ। एक एक बात पत्थर की लकीर होगी और आपको इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा में एक गाँव है, मैं गाँव का नाम नहीं बताऊँगा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और स्टार्टिंग से खेती में से जुड़ा हुआ एक बंदा हूँ। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड भी एक फार्मिंग से रिलेटेड है। अक्सर मैंने देखा है, अक्सर मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, आपने भी देखा होगा कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं और नेता उस पर राजनीति भी करना नहीं छोड़ते। इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं होते कि उसने ऐसा किया तो क्या रीजंस रहे होंगे, क्यों उसने किया ऐसा। उसी चीज़ के बारे में मैं आपको कनेक्ट करके बताना चाहूँगा। दोस्तों, होता क्या है कि हमेशा आपने देखा होगा मार्केट का एक रूल होता है। मैं एक बिजनेस साइड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, तो बिजनेस की एक अच्छी नॉलेज रखने वाला मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो रेट कौन फिक्स करता है। आप हमें बताइए कि रेट कौन फिक्स करता है। रेट हमेशा कंपनी फिक्स करती है, रेट हमेशा वो बंदा फिक्स करता है जो उस चीज़ का प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो बंदा उस चीज़ की रेट फिक्स करता है। पर जो किसान खेत में खेती करता है और फसल को प्रोड्यूस करता है, तो उसकी रेट कौन फिक्स करता है? उसकी रेट किसान फिक्स नहीं करते। इस बात को आप याद रखिए, उस रेट को किसान फिक्स नहीं करते, वो फिक्स करते हैं जो ठेकेदार होते हैं, खरीददार होते हैं, कि हम इस भाव लेंगे, अगर आप इतना भाव देना चाहो तो दे सकते हो। मैंने सुना है कि मोदी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ला रही है, पर बहुत सालों से ये बात चल रही है, अब तक ये बात चलती आ रही है, हो नहीं पा रही। लेकिन मैं सभी देश के किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी भाई बहन हैं, खेती करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको भी इन कंपनियों की तरह अपनी फार्मिंग का मॉडल बनाना चाहिए, किसानी का मॉडल बनाना चाहिए कि हमें किसानी इस हिसाब से करनी है, अपनी एक फिक्स प्राइस रखनी है और इस हिसाब से सेल करना है। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले आप ये फिक्स कर लीजिए कि हमें कौन से सीजन में किस की फसल उगानी है, कौन से सीजन में आपको गेहूँ उगानी है, कौन से सीजन में आपको बाजरा उगाना है, कौन से सीजन में आपको सरसों उगानी है, कौन से सीजन में आपको आलू उगाना है, कौन से सीजन में आपको दाल उगानी है, कौन से सीजन में आपको चावल उगानी है, आप पर कितना खेत है ये देख लीजिए, क्या क्या प्रोडक्शन आपको करना है, क्या क्या उगाना है। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इतने खेत में चावल उगाते हैं या दाल उगाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पहले प्लानिंग करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसानों को भी थोड़ा बिजनेसमैन की तरह सोचना स्टार्ट करना होगा, अगर सफल होना चाहते हो तो। अगर किसान भाई सफल होना चाहते हैं, थोड़ा बिजनेसमैन की तरह माइंड चलाना पड़ेगा, ये बात गारंटीड है। तो आपको पहले अपना ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, कितना मेरे पास खेत है, क्या फसल करनी है, कौन कौन से टाइम पर वो फसल होगी, टोटल कितनी फसल होगी। उससे पहले आपको MSME, एक गवर्नमेंट एजेंसी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नाम से, आपको क्या करना है, उस साइड पर जाना है, MSME की साइड पर, वहाँ पे जाके अपना एक बिजनेस रजिस्टर कर लेना है। ये बिजनेस आपका फार्मिंग बिजनेस होगा, जिसे मीडियम लेवल में जाकर आप MSME के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल है, मैंने एक वीडियो बनाई है कि MSME पर आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो उस वीडियो को देख के आप पूरा सीख सकते हैं कि MSME क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है। जब आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और AOA मिल जाएगा, फिर आपको क्या करना है वो मैं आगे आपको बताता चलता हूँ। आपका बिजनेस हो गया रजिस्टर, मतलब आपकी फार्मिंग हो गया ना, वो फार्म हाउस हो गया, फार्म नहीं, आप अब वो खेत नहीं, अब वो फार्म हाउस बन गया। अब आपको क्या करना है, आपने पहले फिक्स किया कि हमारा बिजनेस तो रजिस्टर हो गया, अब हम उगाएंगे दाल।
मान के चल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दाल उगाएंगे। मैं कुछ कंपनियों के नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उन कंपनियों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जो दाल का फार्मिंग हाउस खोला जाता है उसके लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए होती है, कितना खर्चा आता है, उनसे आप बात कर सकते हैं। वहाँ पर जाके उनकी कंपनियों में जाके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मशीन होती हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं, पैकेजिंग की मशीन। फिर आपको क्या करना है, जैसे दाल होगी, आपने क्या किया कि बिजनेस तो रजिस्टर हो गया आपका, वहाँ से आप मशीन खरीद लाए, आपको क्या करना है, दाल निकाली और पैक करवा के मार्केट में अपने नाम से सेल करवा दी, अपनी प्राइस रखी। आजकल कंपनियाँ क्या कर रही हैं, किसान मेहनत करता रहता है और कंपनियाँ इस मॉडल को खुद यूज करके सेल करती हैं, किसानों से प्रोडक्ट खरीद लेती हैं, उसे पैक करवा के खुद हाई रेट में सेल कर देती हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखो आलू का भाव मैं आपको बताऊं तो चलो मान के चलते हैं 20 रुपए किलो आलू आपको मार्केट में मिल रहा है, एग्जाम्पल के लिए। किसान भाई जाके 15 में बेचता है, जब वो 20 में मिलता है हम जैसे लोगों को, वैसे लोगों को जो खरीदते हैं, हम किसान भाई 15 रुपए किलो में बेच के आते हैं। अब देखो बिजनेस मैन होता है ना, वो कैसे माइंड लगाता है, 15 रुपए किलो के, चलो 20 मिल रहा है, 20 मान लेते हैं, 20 रुपए किलो के आलू ले आया एक बिजनेसमैन, उसने क्या किया, उसने थोड़ा प्रोसेसिंग करवाई और बोला चिप्स बनवा दूँ और चिप्स पैकेट में रखवा दूँ। अब पैकेट में 50 ग्राम चिप्स का पैकेट कितने का आता है आपको पता है, जो 10 वाला पैकेट होता है ना उसमें 10 ग्राम चिप्स निकलते हैं। अब सोचिए कि ये क्या भाव हो रहा है, 700-800 रुपए किलो आलू बेच रहा है वो, बस अंतर इतना है, वो एक जो आलू आया उससे थोड़ा प्रोसेस किया और उसके बदले चिप्स बना के सेल कर रहा है। किसान भाई भी तो ऐसा कर सकते हैं, सीखिए करिए और सफल हो जाइए। सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा, सीखिए करिए और सफल हो जाइए। दोस्तों ये थी बस छोटी सी यही तक वीडियो, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हर किसान भाई तक पहुँचा देना, जिससे थोड़ा उनका माइंड खुले और वो कुछ करना चाहते हैं तो कर सकें, थोड़ी हिम्मत बंधे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।